हम बात कर रहे हैं NBCC की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 3% के अपसाइड के साथ फिलहाल स्टॉक जो है ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक 113.60 रुपये पर फिलहाल हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। जब मार्केट के गिरावट के साथ NBCC में गिरावट आई थी, हमने कहा था कि 120 के लेवल का ब्रेकडाउन मतलब बड़ी गिरावट, फिर 100 तक का भी फॉल हमको देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। हम देख सकते हैं स्टॉक 104-105 जहाँ पहले रिजेक्शन लिया था, रेजिस्टेंस था, उसी को आप सपोर्ट बनाकर बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त स्टॉक जहाँ ट्रेड कर रहा है इसका रेजिस्टेंस जोन ही है। लगातार हमको गिरावट दिखाया है, 175 के लेवल से लो और लो पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग यहाँ इस छोटे मोटे जंप पर थोड़ा सा हमको अवेयर रहना ठीक रहता है, क्योंकि जंप पर स्टॉक रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आता है और अपने रिसेंट लो को ब्रेक डाउन करता है। यहाँ से जंप आया है, अगर रिजेक्शन लेकर इस लो को ब्रेक डाउन कर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 100 और इसके ब्रेकडाउन पर 94 से लेकर 90 तक का भी फॉल हमको NBCC दिखा सकता है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 108-109 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, इसको ब्रेक डाउन कर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट जहाँ से रिकवरी दिखाइए 105 का लेवल और 100 का इसका तगड़ा सपोर्ट रहेगा। इस वक्त स्टॉक जहाँ ट्रेड कर रहा है इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 114 का लेवल। हम देख सकते हैं इससे पहले गिरावट के साथ इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था, 114 का लेवल अब इमीडिएट रेजिस्टेंस है और इसको ब्रेकआउट कर गया तो तगड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा 120 का लेवल, जहाँ से गिरावट के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक करके 150 तक के टारगेट दिखाए थे। 120 का लेवल इसका तगड़ा और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक स्टॉक 120 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक यहाँ से हमको बड़ी तेज़ी नहीं देखने के लिए मिल सकती, लगातार तेज़ी देखने के लिए नहीं मिल सकती, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना है, स्टॉक को 120 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन होने देना है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।